साहब, अभी क्या फैसला लिया गया है, कौन सी बैठक प्रथम सत्र की हुई है और कौन चांसलर के रूप में आज मनोनीत हुआ है? देखिए, आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU कोर्ट की 62वीं बैठक केंद्रीय कार्यालय में आयोजित हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रहा बिंदु वो ये कि भारत रत्न पंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पौत्र और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस गिरधर मालवीय जी को सर्वसम्मति से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया। सभी 42 यहाँ पे जो मेंबर थे, सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया और ये बहुत उत्साह की, बहुत ही एक प्रतिष्ठा की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि सरल और बहुत ही विनम्र और न्याय के ज्ञाता महामना के पौत्र जस्टिस गिरधर मालवीय जी यहाँ के चांसलर नियुक्त हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में BHU राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर अपना स्थान बनाएगा। और हम लोगों को बड़ी खुशी है कि उनका मार्गदर्शन पहले भी मिलता रहा है। वो यहाँ के पुरातन छात्र भी रहे हैं, हमेशा जब हम लोगों को आशीर्वाद की जरूरत हो तो होती थी, बराबर वो आते हैं और अब वो हमारा मार्गदर्शन वो करेंगे। और ये पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार के लिए अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है। राजेश जी, मालवीय जी ने यहाँ जो स्थापना की थी और उनके पौत्र अब यहाँ पे चांसलर की भूमिका में होंगे, ये कितना सुखद संयोग होने वाला है? देखिए, ये वही तो मैंने कहा कि पूरे BHU परिवार के लिए बहुत ही सुखद ये संयोग है और इतना अपार खुशी है हम लोगों में कि मालवीय जी के मूल्यों, मालवीय जी के आदर्शों, मालवीय जी के दिखाए हुए मार्ग पर जो विश्वविद्यालय चलता रहा है उसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। आज जो हम देश ये देख रहे हैं कि भारत देश में विदेश में किस स्थान पर जाए, हमें लगता है कि इनका जो दृष्टि है, जो इनके अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्रीयता है, जो चरित्र का एक बहुत बड़ा इनके अंदर एक उच्च कोटि का जो है एक ज्ञान है, एक विज़न है, इनकी जो दृष्टि है, जो इनका लगाव है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति, ये कुल मिलाकर हमारे कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन में और माननीय कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर के नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति के करेगा। और मुझे आशा है कि शीघ्र ही ये देश ही नहीं अपितु विश्व के टॉप शीर्ष अग्रणी विश्वविद्यालयों में शुमार होगा।